फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग किस प्रकार से एंड्रॉयड स्टूडियो में जब सर्च व्यू में एरर आता है तो क्या होता है, उसका सलूशन क्या होगा। देखिए, मैंने ऐप को रन किया है और यहाँ पे दिखा रहा है कि सर्च व्यू में आपका एरर है, जबकि यहाँ पर मैं जब इसको ओपन कर रहा हूँ तो इसमें मैं कहीं भी गलत नहीं किया है, जो कि सब कुछ सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे जो हमारा सर्च व्यू है यहाँ पे यहीं पर दिखा रहा है एरर 149 नंबर पर, क्योंकि जब लॉग गेट में आप जाएंगे लैकेट में देखिए 149 नंबर दिखा रहा है। जावा लाइन पे यहाँ पे अनगेट ऑप्शन मेन्यू पर दिखा रहा है कि एंड्रॉयड विजेट डॉट सर्च व्यू कैनॉट बी कास्ट टू एंड्रॉयड एक्स, मतलब इसमें आप कास्ट नहीं कर सकते हैं इसको, मतलब हमको इसमें चेंज करना होगा, ठीक, तभी जाकर हो पाएगा। ठीक, तो इसमें क्या करना, हमको इसको सही करना क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा इम्पोर्ट में। इम्पोर्ट में जाने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर दिया है हमारा एंड्रॉयड ऐप कंपेयर, मतलब इसको क्या करना, हमको ऑफ करना, मतलब इसको बंद कर देना है या इसको हमको कमेंट कर देना है, और इसको क्या करना है, ओपन करना है यहाँ पे, इसको क्या करना है, इसको अनकमेंट कर देना है। उसके बाद इसका प्रयोग ना करें, इसका प्रयोग करेंगे तब जाके ये जो हमारा सर्च व्यू है वो काम करेगा, वरना सर्च व्यू में एरर आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, मैं अपनी ऐप को रन कर रहा हूँ, अब मैं लॉग गेट को क्या करूँगा, रन करूँगा, ठीक। अब मैं यहाँ देखूँगा जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, इसकी इसको मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, जो भी एरर आना होगा इसी में आएगा और पता चल जाएगा हमें। देखिए, हमारे ऐप अब इंस्टॉल हो गया, लॉन्च सक्सेस लिख दिया और हमें यहाँ पे कोई भी एरर देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ एरर क्या था, आप ही देखे होंगे यहाँ पे कि इम्पोर्ट करना था सिर्फ हमको, क्या इसके जगह पर हमको इसको इम्पोर्ट करना था, एंड्रॉयड एस को नहीं बल्कि एंड्रॉयड विजेट डॉट सर्च व्यू को इम्पोर्ट करना था, ठीक। इस तरह से बहुत आसानी से हम एरर दूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।